सपोर्टर सपोर्टर खेल रहे हैं। यूनिवर्सिटी सीरीज का 23वां अंक देखने के लिए तैयार हो जाइए। नौकरी का मतलब होता है आर्थिक तरक्की। आज हम ऐसी नौकरी की बात करेंगे जिसे करते हुए आदमी लगातार गरीब होता है। मध्य प्रदेश में जो ठेके पर रखे जाते हैं शिक्षक, उन्हें अतिथि विद्वान कहा जाता है। लाइब्रेरी में जो रखे जाते हैं उन्हें अतिथि ग्रंथपाल कहा जाता है। कायदे से तो अतिथि की खातिरदारी करने का दंभ भरते हैं हम लोग, मगर राज्य के अतिथि विद्वानों की सिस्टम ने ऐसी खातिरदारी कर दी है कि वे 10-10 साल की नौकरी करने के बाद भी किसी की खातिरदारी करने के लायक नहीं रहे। हमने यूनिवर्सिटी सीरीज में अतिथि विद्वानों की हालत पर कई बार दिखाया, लेकिन लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ने से जानने और समझने की हमारी कोशिश धीमी नहीं पड़ने वाली। जफर मुल्तानी की मदद से हम आज अतिथि विद्वानों के घर चलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाएंगे। 10 साल की नौकरी के बाद भी उनकी क्या हालत हो गई आपको दिखाएंगे। कैलाश प्रसाद गरवाल का घर किसी अच्छे इलाके में नहीं है। कैलाश जी, जिस घर में हमें ले जा रहे हैं वो 8x10 फुट का ही घर है, कमरा है। जैसे जैसे कैमरा घूमेगा, आप एक जिंदगी एक कमरे में बंद एक जिंदगी में झांक कर देखते रहिए कि नौकरी की उम्मीद किसी की क्या हालत कर देती है। सरकारों के बेरोजगारी दूर करने के नारे इतने खोखले हैं कि वो रोजगार भी देती है तो बेरोजगार से भी बदतर हालत बना देती है। इस कमरे में 3 कमरे का काम चलता है, 3 लोगों का परिवार, कैलाश प्रसाद गरवाल, उनकी पत्नी और एक बेटी। 2000 किराया है इस कमरे का। 2007 में कैलाश प्रसाद 6000 रुपए कमाते थे महीने का और आज 2017 में 12000 कमाते हैं। 10 साल में उनकी कमाई जितनी थी उतनी ही रह गई। एक तरह से 10 साल पहले वह जितना राशन ले पाते होंगे आज भी उतना ही ले पाते हैं। ये एक अतिथि ग्रंथपाल का जीवन है जो आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस में एमफिल और एमलिब किया है। इसके बाद भी 580 रुपए की दिहाड़ी कभी भी महीने में 12000 से अधिक नहीं कमाने देती है। 12000 किराया, बिजली बिल, फीस, दवा, राशन और बच्चों की फीस में खर्च। पति पत्नी का एक बीमा है मात्र और इसके अलावा इनके पास कोई सेविंग नहीं है। अप्रैल में जब कॉलेज बंद होता है तो जुलाई तक कैलाश जी गांव खेती करने चले जाते हैं। परिवार के लोग थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। बेटी का स्कूल खुलता है तो शहर आ जाते हैं। सैलरी 8 महीने की ही मिलती है जबकि किराया वो 12 महीने का देते हैं। वैसे भी सितंबर और अक्टूबर की सैलरी नहीं मिली है। तो मकान का किराया हो जाता है, 1000 रुपये किराने का इसका हो जाता है, बच्चे की फीस हो जाती है, पेट्रोल का जनरल खर्च हो जाता, फिर घर परिवार के भी अन्य खर्चे, उसका भी मानसिक एक दबाव रहता, बच्चों का भी। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली है और बढ़ने का जो चल रहा था कि 25000 रुपये हम लोग होने वाले हैं, कैबिनेट की मीटिंग है रखा है तो कल कैबिनेट की होने वाली थी, उसमें भी नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होता है। अभी हम आए हैं जब से, मतलब जुलाई अगस्त से बच्चों की स्कूल शुरू हो जाते हैं तो जुलाई अगस्त में आना पड़ता है, तब कुछ काम नहीं रहता, 2 महीने तक उस बच्चों के कारण आना पड़ता है। फिर इसके बाद सितंबर से अभी हमारा हुआ, ये 2 महीने हो गए, ये 3रा महीना चला, पेमेंट नहीं मिली। अब भी आप कह रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके नेताओं और शिक्षा मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ता, तो जरूर आप किसी खास मटेरियल के बने हैं। 10 साल की नौकरी के बाद, और आपका भी हाल यही होगा, 10 साल की नौकरी के बाद अगर कैलाश गरवाल आयकर इनकम टैक्स देने के लायक नहीं हुए क्योंकि उतनी सैलरी नहीं, जब उनकी महीने की कमाई अगर 6000 से 12000 होगी तो टैक्स की श्रेणी में आएंगे नहीं। इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति का हिसाब लगाएं तो 2007 में 100 रुपया था उसका जो वैल्यू था, 2017 में 205 हो जाता है। इस हिसाब से कैलाश जी की महीने की कमाई 10 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ती है, वह भी साल के 4 महीने की सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। इससे अगर आप मुद्रास्फीति जोड़कर लगाएंगे अंदाजा तो उनकी सैलरी और भी, यानी वो गरीब हो गए नौकरी में। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल की मेहनत के बाद वो जहां थे वहीं हैं, बल्कि वे नौकरी करते हुए गरीब हुए। आपको एक और अतिथि ग्रंथपाल की पत्नी की बात सुनाते हैं। गैस फैकल्टी को बस 8-9 महीने वर्क मिलता है और उसके बाद उनको घर बिठा दिया जाता है, और जब उनको बुलाते भी हैं काम पे तो वो भी सितंबर और अक्टूबर में बुलाते हैं। उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, पढ़ाई कब से उनकी शुरू होगी, जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं पर वो आते वही सितंबर और अक्टूबर में है, तो कितना कोर्स छूटता है बच्चों का अगर दिन रात। या अब हम आपको अतिथि सहायक ग्रंथपाल कैलाश विक्रम विश्वकर्मा के घर ले जाते हैं। इन्हें 500 रुपये प्रति कार्य दिवस पर मिलता है। आप विश्वकर्मा का एक घर देखिए, एक बिस्तर से ज्यादा रखने की जगह नहीं, रसोई किसी कोने में 3-4 बर्तनों से बसी हुई है। कैलाश विश्वकर्मा 2007 में प्राइवेट कॉलेज में काम करते थे तो 15000 रुपया मिलता था। सरकारी नौकरी में ठेके पर आ गए कि कभी परमानेंट हो जाएंगे, सैलरी बढ़ेगी। 10 साल पहले वे महीने का 15000 कमाते थे, आज 12000 कमाते हैं। 3000 कमाई कम हो गई, एक तरह से 10 साल में इनकी कमाई करीब 40% कम हो गई। 10 साल की मेहनत के बाद गरीब हो गए। आप उनके घर की तस्वीर देखते चलिए और अंदाजा लगाइए कि लोगों की जिंदगी बदल रही है या नहीं।
देखिए सर जी, ये छोटा सा एक ये गैस है मेरे पास, इसको मैं भरवा लेता हूँ, इसको ये एक महीना चलती है ये वाली गैस जो है, और ये एक मटका रखा हुआ है, ये भी मटका भी मेरे पास दो तीन साल पुराना है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं मिलता कि मैं एक मटका खरीद सकूँ उसके, तो ये पुराना मेरा एक मटका है, इसी में से दो तीन साल से मैं काम चल रहा हूँ, तो कभी लाइट आती कभी नहीं आती, तो भी एक ये पंखा रखा हुआ खटारा पंखा जो है दो तीन साल से इसे खरीदे, इसी में चला रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं मेरे पास दुनिया में जो दिखा देगा। ये मेरी एक जो अलमारी है, इस अलमारी के अंदर किताबें हैं और इसी में मेरा राशन का सारा सामान है, इसी में मेरा बेडरूम भी मान लीजिएगा, जो भी आप मान लीजिएगा किराने वाला। ये इसमें जो आपको थोड़ा सा स्पॉट जो दिख रहा है जो जगह, ये मैंने अपने एक अतिथि विद्वानों के लिए छोड़ रखी है, वो बेचारे आकर के बैठते हैं, तो इसमें मेरा दुनिया है। और मेरा ये बेडरूम है, बिस्तर है इसमें मैं सोने के लिए, इसमें एक मेरी रजाई है और एक ये कंबल है, वो भी मेरा फटा हुआ दो तीन साल से है ना, उसी से मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। पूरा ये दुनिया मेरी है, आप मान लीजिएगा मेरी यही बेडरूम है, मेरा यही कमरा है और ये मेरी दुनिया है, इसी में सब कुछ है। और कठिनाइयाँ क्या आती है आपको? कठिनाई क्या सर, यहाँ पर अभी छः सात साल हो गए, छः सात महीने तो सैलरी नहीं मिली है ना, दिक्कत। अभी भर्ती की गई थी, इसके बाद भी फिर पता चला कि चार महीने एक महीने के लिए मेरिट पर रखा है इन्होंने, फिर बाद में कोर्ट केस आया, तो इसके बाद अभी सात महीने हो गए सैलरी नहीं मिली हम लोगों को, अभी तक भी कोई चांस नहीं चल रहा है कि क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये है, ये स्थिति है हम लोगों की, बहुत नगण्य स्थिति है अगर देखा जाए तो सर, कुछ भी नहीं है हमारे पास और स्थिति ये है। आपने फैमिली को यहाँ क्यों नहीं रखा है? फैमिली कैसे रखें सर, फैमिली रखने का तो कोई चारा ही नहीं है ना, अभी चार महीने तो अभी मकान मालिक का किराया ही नहीं दिया मैंने, तो फैमिली का कैसे गुजारा बसर करेंगे अपन फैमिली रख करके। तो फैमिली भी घर पर रहती है, कोई मजदूरी वगैरह करती है, तो उससे अपन और उनसे पैसे लेकर के अपना घर चला रहे हैं अपन अभी। ये भारत में ही हो सकता है कि बिना शिक्षक के छात्र पढ़ लेते हैं और बिना सैलरी के लोग पढ़ाते हैं। एक तरह से यूनिवर्सिटी छात्रों को बर्बाद करने का गोदाम नहीं, बल्कि शिक्षकों को भी भर्ती करके ठेके पर रखकर उन्हें गरीब निर्धन बनाने का एक प्रोजेक्ट है इंडिया में। आपने चुनाव में वो सारे पोस्टर देखे होंगे, मिलेगा सबको काम, अब नहीं होगा पलायन टाइप का। नेता चुनाव में उम्मीद क्यों बेचता है? क्योंकि उम्मीद बेचने का वही एकमात्र टाइम होता है और आप उस उम्मीद पर लुट जाते हैं। आखिर जब जीडीपी बढ़ने का दावा हो रहा है, आर्थिक तरक्की का दावा हो रहा है, तो कैलाश गढ़वाल या विश्वकर्मा का जीवन स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसे जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि टीवी पर क्यों पद्मावती, अकबर या खिचड़ी को लेकर बहस होती है। क्योंकि मूर्ख बनाने का ये नेशनल सिलेबस ये जानबूझकर चलाया जा रहा है, ताकि आप हकीकत से आपको दूर रखा जा सके और इसी तरह से आपके ही जनता के दूसरे हिस्से को उस तरह से कबाड़ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा सके। इसीलिए आप आए दिन कभी पद्मावती, कभी अकबर, कभी खिचड़ी, कभी ताज पर बहस देखते हैं। ये एक नेशनल सिलेबस है जिसे जानबूझकर चलाया जाता है। विश्वकर्मा जहां रहते हैं उनके साथ दो और अतिथि विद्वान रहते हैं। शहर से दूर हाईवे पर हम आपको इस मकान में ले चलना चाहते हैं। आसपास कोई मकान नहीं। कांशीराम प्रजापति स्नातक के छात्रों को गणित पढ़ाते हैं। कमरे में उनकी जिंदगी में गणित का कोई नामो निशान नहीं बचा है। ये हालत कर दी है गणित ने। दो साल से कॉलेज में पढ़ाने के बाद उन्हें यही जिंदगी हासिल है। महीने में 12,000 कमा पाते हैं, उसमें भी साल के चार महीने की सैलरी नहीं मिलती। किराया नहीं दे सके तो कमरा खाली करने का दबाव बना रहता है। गणित का लेक्चरर होने के बाद भी आयकर दाता की हैसियत में नहीं आ सके हैं। सोचिए, परिवार का सपोर्ट ना होता तो चार महीने बिना सैलरी की जिंदगी बितानी मुश्किल हो जाती। जब नौकरी पेशा करने वाले लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, सरकार के दायरे के भीतर, तो फिर इस देश में कौन टैक्स चरा रहा है, चोरी कर रहा है, किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? काशीराम प्रजापति की शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। प्रथम वर्ष से लेकर तृतीय वर्ष के 100 छात्रों को गणित पढ़ाने वाले मास्टर की आर्थिक हैसियत का अंदाजा आप देख रहे हैं। प्रजापति के पास किसी प्रकार का बीमा भी नहीं है। सर, चार महीने हो गए सैलरी नहीं मिली हमको अभी तक, और खर्चा कैसे चला है? मकान मालिक बोल रहे हैं कि ये रूम ये कर दो, खाली कर दो, तो उस स्थिति में क्या करें? और वहाँ हम सिटी से तीन किलोमीटर दूर बाहर रह रहे हैं किराए की वजह से, और यहाँ पे भी 2,000 रुपये में किराया महीने का, तो कैसे करें हम उसको एडजस्ट? क्या परेशानी क्या आती है आपको? एक बालक है सर मेरा, तो बालक भी है, वाइफ भी है, तो कैसे उनको भी लेके चलना है मुझे? अब सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, और मिलती वो भी कम मिलती है, तो कैसे हम उसको अपना गुजारा करें उसमें? तब कैसे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे? और रूम भी एक ही है सर, उसमें किचन भी उसी में किचन है, और अभी गैस की टंकी भी खाली हो गई, पैसे भी नहीं मेरे पास कि गैस कैसे भरवाए, उधार लेके भरवानी पड़ेगी। अब बाकी जो दूसरे खर्चे कैसे चलाते हो काशीराम? दूसरे घर से उधार लेके घर से लाता हूँ थोड़े बहुत पैसे, मम्मी पापा देते हैं पैसे, उनसे पूरा करता हूँ। आप आज नहीं मानेंगे, लेकिन 10 साल बाद जरूर इस प्राइम टाइम को आप निकालेंगे गूगल के तहखाने से, और ये मानना पड़ेगा आपको कि हिंदू मुस्लिम के डिबेट ने जनता को कितना लाचार, गरीब और मजबूर बना दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा।
12,000 रुपए में कॉलेज में कोई गणित पढ़ाने के लिए मजबूर है, होगा कुछ नहीं यह सोचकर यह सीरीज बंद नहीं की जा सकती। हालांकि अब करनी पड़ेगी, उतने संसाधन नहीं है, लेकिन कम से कम इस सीरीज के जरिए हम जनता के रूप में अपनी हालत देख सकते हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद का क्या नतीजा निकला इसका हिसाब कर सकते हैं। आपने जिन अतिथि विद्वानों की हालत देखी वो किसी महानगर के नहीं है, बल्कि इंदौर से 160 किलोमीटर दूर, भोपाल से 250 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के सुसनेर कस्बे के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। यानी कॉलेज की नौकरी में आप कस्बे में रहने लायक भी नहीं रह पाते। सुसनेर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इस कॉलेज का नाम विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय है। विवेकानंद की मूर्ति बनाने के नाम पर इस देश में राजनीतिक दल कल ही दंगा करा दें, कई 100 करोड़ की मूर्ति बनाने का ऐलान कर दें, मगर उनके नाम पर बने कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत में सुधार नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है जब दंगा और मूर्ति के नाम पर भावना भड़काने से काम चली जाता है और जनता भी तैयार है तो ये सब करने की क्या जरूरत है। जब शिक्षकों की ये हालत है तो फिर इस देश में शिक्षक दिवस हम मनाते क्यों हैं?